जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, इस बार होली को लेकर के पूरे भारत के अंदर दो तिथियां निर्धारित हुई है, यानी कि भारत के कुछ राज्यों में 6 मार्च को होली का दहन होगा और कुछ राज्यों में 7 मार्च को होगा। और ये डिबेट का विषय भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। 6 मार्च को कुछ जगह मना रहे हैं, कुछ जगह 7 मार्च को हो रही है होली। ऐसा नहीं होना चाहिए या इसके पीछे क्या कारण है, हमें किस दिन मनानी चाहिए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में भी होंगे। आज बहुत ही साधारण तरीके से मैं आप लोगों के सामने बात रख देता हूं, आपको बहुत ही आसानी होगी इस बात को समझने में कि क्यों ऐसा हुआ है और उसके पीछे कारण क्या है और हमें क्या फॉलो करना चाहिए। दर्शकों, होली का दहन जो होता है वो फाल्गुन शुक्ल की प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा को भद्र रहित काल में होता है, यानी उस समय पर होली का दहन श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात आती है कि फाल्गुन शुक्ल की पूर्णिमा कब शुरू होगी। फाल्गुन शुक्ल की पूर्णिमा 6 मार्च को शाम को 4:18 पर आरंभ हो रही है, यानी कि 6 तारीख को शाम को 4:18 पर पूर्णिमा आरंभ हो जाएगी और प्रदोष जो रहेगा समय वो शाम को 6:26 से रात को 8:55 तक रहेगा। यानी प्रदोष काल जो पूर्णिमा का होगा वो 6 मार्च को होगा। ऐसे में होली का दहन उस दिन किया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि उस दिन भद्रा भी रहेगी इसीलिए कुछ जगहों पर 6 तारीख को होली का दहन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि हम जब तिथि सूर्योदय से तय करते हैं तो 7 तारीख को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि रहेगी, इसलिए हमें पूर्णिमा तिथि 7 तारीख को माननी चाहिए। और 7 तारीख को पूर्णिमा तिथि शाम को 6:10 तक रहेगी। ऐसे में पूर्णिमा तिथि को शाम के समय हमें होली का दहन करना चाहिए, लेकिन 7 तारीख को जब पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी उसके पश्चात प्रदोष काल आरंभ होगा। ऐसे में अगर 6 को मनाते हैं तो भद्रा है और 7 को मनाते हैं तो प्रदोष काल नहीं रहेगा, यानी दोनों में से किसी एक चीज को तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक चीज को हमें छोड़ना पड़ेगा। दर्शकों, ये इसी तरह की स्थिति है जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि डॉक्टर बाहर आकर के बोलते हैं कि हालत बहुत गंभीर है, मां और बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़ेगा, बताइए हम किसको बचाएं। ये इसी तरह की परिस्थिति है, क्या किसको माने किसको छोड़े। और इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग भी होगा, क्योंकि जैसे हर व्यक्ति की ये ख्वाहिश नहीं हो सकती है कि वो मां को पहले बचाए या बच्चे को बाद में बचाए या बच्चे को पहले बचाए मां को बाद में बचाए, हर व्यक्ति का निर्णय अलग अलग होगा, उसकी परिस्थिति के अनुसार होगा। इसी तरह से यहां पर विद्वानों के भी दो मत हैं, कोई भद्रा काल को महत्व देता है तो वो 7 तारीख को मनाएंगे, और अगर कोई पूर्णिमा तिथि को महत्व देते हैं, प्रदोष काल को महत्व देते हैं, तो वो 6 तारीख को मनाएंगे। और ये विरोधाभास इसलिए भी है क्योंकि हिंदू मान्यता के अंदर हर जगह का पंचांग अलग अलग होता है, हर शहर का पंचांग अलग होता है, यहां तक कि राजस्थान के अंदर भी जयपुर का पंचांग अलग होगा, उदयपुर का अलग होगा, अजमेर का अलग होगा, यानी हर जगह का पंचांग अलग होता है और त्योहार हमारे लोकल होते हैं। इसीलिए स्थान के पंचांग को हमेशा महत्व दिया जाता है और वहां के रीति रिवाजों के आधार पर ही जो आपका लोकल पंचांग जो तिथि आपको बताता है त्योहार की, आपको वही फॉलो करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि राजस्थान के अंदर यदि 6 मार्च को होली मनाई जाएगी तो मैं तो नहीं मनाऊंगा, मैं तो 7 तारीख को मनाऊंगा, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि प्रदोष काल नहीं है तो क्या होगा, तिथि तो पूर्णिमा 7 तारीख को होगी, तो मैं अकेला ही उस त्यौहार को मनाने से रह जाऊंगा, बाकी सब तो फिर 6 तारीख को मनाएंगे। इसीलिए हमें एक बात को समझना चाहिए कि पंचांग निर्माताओं के सामने भी कुछ गणनाएं होती हैं, उन गणनाओं के अंदर भी कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि जब आपको ये निर्णय लेना होता है कि आप किसे सही माने और किसे गलत माने।
यानी यह गलत और सही का विषय नहीं है, यानी आप कैलकुलेशन में किसे प्राथमिकता दें। अगर आप पूर्णिमा तिथि को प्राथमिकता देते हैं तो आपको 7 तारीख को होली सेलिब्रेट करनी चाहिए, यानी होली का दहन 7 तारीख को होना चाहिए। लेकिन यदि आप प्रदोष काल को महत्व देते हैं तो फिर आपको 6 तारीख को ही होली का दहन करना पड़ेगा। अब बात आती है उस दिन तो भद्रा भी है, तो ऐसा विद्वानों ने कहा है कि यदि भद्रा मध्य रात्रि के आगे तक चली जाए तो उस भद्रा के कुछ काल के अंदर होली का दहन किया जा सकता है, यानी उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, उस भद्रा के प्रभाव को हम नगण्य मान सकते हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। इसीलिए ये त्योहार 6 और 7 को मनाया जा रहा है। यदि भद्रा काल रात्रि के 12 बजे के बाद तक का नहीं होता 6 तारीख को, तो पूरे भारत के अंदर 7 तारीख को ही होली का दहन का त्योहार होता, ये 2 तिथियां होती ही नहीं। लेकिन दोनों दिनों की परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं। जो लोग सूर्योदय की तिथि को महत्व देते हैं वो लोग 7 तारीख को मनाएंगे, और जो लोग मुहूर्त काल की हर परिस्थिति का आकलन करते हैं वो 6 तारीख के आधार पर इसे मनाएंगे। इसीलिए ये विरोधाभास इस समय पर होली के साथ में है। लेकिन दर्शकों, ये पहली बार नहीं है, राखी के त्योहार पर भी, पिछली बार होली पर भी, इस बार भी होली पर भी, दीपावली के अंदर भी आपने देखा, बहुत बार ऐसा हुआ है इस साल में जब इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं। और ये परिस्थितियां ही इस बात का संकेत है कि युग परिवर्तन का समय है, संधि काल का समय है। इसीलिए इस तिथियों का जो टकराव होता है, ये परिस्थिति तभी बनती है जब जब बृहस्पति अतिचारी होता है, उसकी गति में तेजी आती है, तब तब इस तरह की परिस्थिति बनती है। और हमें तिथियों के आधार पर या मुहूर्त के आधार पर दोनों में से किसी एक को प्राथमिक मानकर ही अपने त्योहार सेलिब्रेट करने चाहिए। इसीलिए आपके लोकल पंचांग निर्माता जो आपको तिथि मुहूर्त बताते हैं, आपको सदैव उन्हें फॉलो करना चाहिए। आप ये मत देखिए कि महाराष्ट्र में 7 तारीख को है तो राजस्थान में भी 6 को होनी चाहिए, या 6 को अगर राजस्थान में है तो महाराष्ट्र को 7 को क्यों है। महाराष्ट्र का पंचांग अलग है, उसके पंचांग निर्माताओं की कैलकुलेशन अलग है, वहां की लोकल मान्यताएं अलग हैं, राजस्थान की अलग है, MP की अलग होंगी, UP की अलग होंगी, बिहार की अलग होंगी, कश्मीर की अलग होंगी। ऐसे में हमें स्थान विशेष को महत्व देना चाहिए और उसके आधार पर ही निर्णय करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में होलिका दहन को लेकर के मुहूर्त के ऊपर जो एक विरोधाभास चल रहा है उसके संदर्भ में आपको एक सटीक आकलन दिया है। मेरा यह मानना है कि इसके पश्चात आपके मन में कोई भी संदेह नहीं रह गया होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।